हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। तो गाइस हम लोग आए खर्रा, दाल बाटी का प्रोग्राम है। तो गाइस दाल बाटी, तो गाइस हम खर्रा जा रहे हैं दाल बाटी बनाने। खाली हो गए ऊपर पकड़े गाड़ी में बगैर चश्मे के बेकार है हमें। ले वो कैसा आ रहा बताओ, तुम दिख रहे हो ना इसलिए कांच में। तो उसमें कहाँ जा रहा है, तुम्हारी फोटो आ रही है। गाइस गाड़ी का बम्पर ऊपर चल रहा है, एक के साथ एक फ्री, एक के साथ एक फ्री। ऐसा न्यू है अपना ही है। ये गाड़ी भी सही एवरेज देती है ना। हाँ संडे और हमारे स्टार समिति की तरफ से संडे के दिन पार्टी प्रोग्राम है खर्रा पे। ये भोजपुर में पड़ता भाई, तो अगर आपको दाल बाटी खाना है तो आओ फिर खर्रे पे। गाइस फ्री है दाल बाटी, भाई देखो ये खर्रा की हरियाली गार्डन। जब भी कोई प्रोग्राम हो तो जहाँ आओ बढ़िया। भाई जी सवारी आटो, आज कोई भीड़ तो नहीं होगी यार? भीड़ तो होगी। यहाँ तो मंदिर में होगी। Thank you.
का खतरनाक माहौल है यार, मैं तो नहाऊंगा। तो गाइस तुमको मैं डैम दिखा के लाता हूँ। खर्रा मामा छाव में लगा दी जरी। तो गाइस वो रहा डैम। जो छोटे सर चट्टी मट्टी है वो सब डाल दो, डेरी चालू कर पहले। उसमें भरता बनाएंगे ना, उसमें उसी में तू तो क्या दिक्कत हो रही है? बन जाएगी, बन जाएगी दो बार में। अरे एक बार तो गाइस ये वाटी बन रही है। तो ये गाइस दाल वाटी बन रही है। जय सोम भाई, देखो ये दाल बनाने वाला आदमी। जा गए दफोड़ी में, तेरे नीचे आगे तो बोल रहा। तो हेलो गाइस, आज हम आए यहाँ पे जिया जी बाटी बना रहे हैं। आप देख सकते हैं बकायदा गोल गोल बढ़िया बढ़िया बाटियाँ बनी यहाँ पे। तो कब से बना रहे हैं आप लोग? चल रहा है तो आप कब से बना रहे हैं बाटियाँ यहाँ पे? दो घंटे हो गए। अच्छा, तो भाई साहब को यहाँ पे दो घंटे हो गए। आप देख सकते हैं बढ़िया गिनी गिनी बाटियाँ बनी यहाँ पे, बनी नहीं रही। तो भाई देखो लड़के टमाटर काटना सीख रहा है, एक ये क्या लहसुन छील रहा है, एक धाकड़ साहब ये भी लहसुन छीलने सीख रहा है, और एक ये दारू कुट्टा देखो खाना बनाना सीख रहा है। और ये देखो एक चंद्रमुखी खाना बन रहा है। देखो आओ पहले बनाओ फिर सीखो और फिर खाओ। ये धनिया, ये मिर्ची, ये अदरक, ये लहसुन, प्याज और ये प्याज, मेन चीज नहीं दिखाएंगे। तो भाई भाई अपने लिए दो बाटी हो गई ना। तो गाइस देखो कितना मस्त लग रहा पानी का, एक नंबर पानी बह रहा है। तो रहा गाइस दाल बाटी खा के आनंद हो गया। तो
गाइस यहाँ पे एक नंबर आनंद आएगा गाइस। हम लोगों का भी ध्यान रखना चाहिए ऐसी नदी में, अगर बीच नदी में आप बैठ रहे हो तो सावधानी से बैठना चाहिए, क्योंकि बारिश के मौसम में आप अक्सर देखते हो घर कहीं बाढ़ भी आ जाती है, भागने के लिए आपको टाइम नहीं मिलता, तो कभी कभी आदमी देर बस हो जाता है। तो ना आप बच्चों को लेकर तो बिल्कुल ना जाना है गाइस, क्योंकि फिर भागने में दिक्कत होती है। बढ़िया आराम से अपने रिक्स पे ना जाए और आराम से जाए रखे से गाइस। ये खाना वाना बन गया, खाना वाना खा लिया, तो बस गाइस ये गाइस देखो कितना बढ़िया व्यू है। चल रहा है जैन मंदिर में कुछ कार्यक्रम, इतने लोग आए थे पब्लिक, बहुत सारी पब्लिक आई गाइस इधर पार्टी में, पार्टी मनाने। हाय गाइस, गाइस सब जा रहे खाते के अपने अपने। हर हर महादेव भोले बाबा, मंदिर दाल बाटी और हम हमारे यहाँ जा रहे हैं।
सब्जी भाजी तेज बोल रहा था रोना लाते होंगे ताजे हैं। इधर से ताजी सब्जी खरीद के घर जाऊं। सही यार, ठंडे पुआ की खदान बरसात इतनी हेवी हुई कि फूल का होगा ढेर मिलावट रहा हूँ। भाई जिस समय सरकार का विकास चल रहा है भी तो भाई शाम को चलता है इधर जाम 5 बजे 4 बजे 4:30 से इंडस्ट्री एरिया की शिफ्ट खुलती है तो सब जो जाम लग जाता है। Пусть.
नहीं आ रहा आपको। अरे रोड खाली है ना, मैं बोल के निकला था, मैं छक्का मारा तो गई भाई। देखो रेसिंग चलती है तो गाइस गाड़ी इतनी भगाना चाहिए जो आपसे कंट्रोल हो जाए, किसी के बहकावे में जोश में आके आप गाड़ी रखने और फिर आगे चल के दिक्कत होती है। कई लोग गाइस क्या है थोड़ा सा हुर करके फिर आदमी देता है चने गाड़ी पे चढ़ा। बाय गाइस, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। रावण जला के ग्राउंड खाली।